उत्तराखंड के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने कलसिया के पास टूटे गंगा के तटबंध का निरीक्षण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरीश रावत सरकार ने तटबंध निर्माण के 61 करोड़ रुपए के बजट में घोटाला किया, जिसके चलते तटबंध निर्माण में मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने कार्य की तकनीकी जांच कराने की मांग भी सरकार से की। पिछली सरकार में सन 2012-13 में मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा को बुला करके बाढ़ का सूरत हाल दिखाया था। आप सब लोगों ने भी उस समय देखा था। सोलानी के तटबंध पे भी ले गए थे, गंगा के तटबंध पे भी हम लाए थे बांध पर। उनके द्वारा 61 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। जब पैसा स्वीकृत होकर के आया, उस समय बहुगुणा जी सरकार में नहीं थे, उस समय हरीश रावत जी की सरकार थी। और उस सरकार में जितना बेईमानी से काम हुआ है, बहुत ही गलत काम हुआ है। बजाय मिट्टी लगाने के रेता लगाया गया, रेता लग रहा है सामने, आप साफ देख रहे हैं। हमने टो वॉल के लिए कहा था, आरसीसी की टो वॉल बनाने के लिए बॉटम में, स्टोन पिचिंग के लिए कहा था, पत्थर की जो पिचिंग की जाती है बांध की दीवार में 15 डिग्री पर, और उसके ऊपर खड़ंजा लगाने के लिए कहा था, ईंट का खड़ंजा लगना चाहिए क्योंकि यहाँ कॉम्पेक्शन जरूरी है। जैसे धुरमट से फर्श को छेदते हैं उसमें कॉम्पेक्शन होता है। तीनों में से कुछ काम नहीं किया गया, किया गया तो सिर्फ पैसा खाया गया, सरेआम बेईमानी की गई। सोलानी के बांध में जो रेता लगा वो सारा बह करके सड़क पे आ गया, खेतों में पहुंच गया लोगों के। और गंगा का बांध इसे 2 ही साल हुए बने हुए, देख लीजिए ऐसे कट रहा है जिस तरह हलवा कटता है चम्मच से, पानी के आगे आगे हो रहा है। तो जनता की जिंदगी से खेलने की किसी की हिमाकत नहीं होनी चाहिए। जिसने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस घोटाले की, जो ये इरीगेशन का घोटाला हुआ हरीश रावत सरकार में, मैं इसकी जाँच की मांग करता हूँ। और अपने सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि वो केंद्र से जा करके अविलंब कंटिजेंसी फंड से सहायता लाएं, जिससे कि यहाँ सुदृढ़ीकरण किया जा सके और बाढ़ के राहत कार्य किए जा सके, लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। तो देखा आपने किस तरह से कुंवर प्रणव ने हरीश रावत को लेकर घोटाले की बात कही। SPN9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।